आज है थर्सडे और 4 तारीख है और मैं अभी कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ लैपटॉप लेके। मैंने एक्चुअली मंडे, हाँ मंडे ये ट्यूजडे वेंसडे का ब्लॉग नहीं डाला है, तो वही मैं एडिट कर रही थी। थोड़ा लेट आ रहा है बट आज मैं उसको एडिट करके डाल दूँगी। बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम इन द सेंस कि घर के कामों में और बच्चे में ही थोड़ा सा टाइम निकल जा रहा है। आज मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया, फिर भी मुझे दाल बनानी है और शारिन के लिए दाल बनानी है। वो उसको मैं तीखा खिला रही हूँ, बिल्कुल भी तीखा खाने के लिए रेडी नहीं है। बोल रही मम्मा तीखा तीखा, तो मैं ट्राई करा रही हूँ कि वो तीखा खाए, क्योंकि वो बिल्कुल भी तीखा खाने को देखता नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे उसको तीखा खिलाना पड़ेगा, नहीं तो दाल चावल खाएगा तो अच्छे से खा लेगा, नहीं तो फिर वो बिल्कुल भी खाना खाने के लिए ना मना ही कर देता है। तो निवाले खाएगा, उसके बाद बोलते मम्मा हो गया। सो इसी खुशी के लिए मैं थोड़ा सा अभी दाल बनाऊंगी और बाकी तो मैंने उसको खिला दिया। आलू को थोड़ा मैश करके आलू चावल के वो मैंने खिला दिया उसको, तो फिर भी वो उसने अच्छे से नहीं खाया। अभी वो बेडरूम में बैठा है। सो अभी पहले तो मैं थोड़ा सा एडिटिंग करना शुरू कर दूँ, क्योंकि मैंने अभी तक शुरू नहीं किया लैपटॉप। ऐसे ही आपको दिखाती हूँ, ऐसे ही बंद है। तो अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, एडिटिंग शुरू कर देती हूँ और साथ साथ में काम जो भी है वो भी मैं करूँगी। और आज मैंने थोड़ा ढीला ढीला कपड़ा पहना, क्या हो रहा है कि मैं थोड़े कपड़े टाइट पहन लूँ, लोग मुझे बोलने लगे कि थोड़े ढीले कपड़े पहनो, ऐसे नहीं वैसे नहीं। अभी मैं कल रात को ही मैं जहाँ रहती थी पहले, वहाँ मैं मेरी फ्रेंड से मिलने गई, तो वहाँ की आंटी आई थी, तो अभी वो नोटिस करने लग गए हैं मुझे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो किसी को बताया नहीं था ना, एक्चुअली जो 2 दिन फ्रेंड्स है उनको पता है, बाकी उसको नहीं पता। तो अभी वहाँ की आंटी अभी मुझे नोटिस करने लगी, मुझे प्रेगनेंट कौन सा महीना चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही है अभी, तो फिर भी तो थोड़ा सा सजेशन देना शुरू कर देते हैं कि ढीले कपड़े पहनो, क्योंकि मैंने जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के गई थी, तो इसी वजह से शायद बोल रहे होंगे। और अच्छा ही मुझे वो दे रहे हैं, शार्बिन आ गया है, से हाय शार्बिन, इधर हाय कर दो। और ये शार्बिन है, बिल्कुल भी मोबाइल नहीं छोड़ता है। आप लोग इसको मना करो, बताओ कि, और मुझे कोई सजेशन दो यार, इसका मोबाइल छूट जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं सुनता और अपने को आईने में देख रहा है, क्योंकि सामने आईना है तो वो खुद को देख रहा है ना। इधर देखो, इधर देखो, कैमरे पे देखो। क्या है ये क्या है, लिप टिप? अच्छा, तो यही सब चीज़ें चल रही है। शाविन को मैं अभी सुलाऊंगी, भी पहले तो मैं अपना एडिटिंग स्टार्ट कर देती हूँ, देन उसके बाद देखती हूँ। नहीं ना बाबू निकल जाएगा ना, चलिए तो पहले मैं कर देती हूँ स्टार्ट, उसके बाद अब से मैं नीचे गिर गया। देखो नहीं, इधर इधर पैर के पास देखा, पहले वो इतना फिनिश करो, फिर बाद में मम्मा देगी, ठीक है? अभी वो फिनिश कर लो। सो गाइस, अभी शार्विन खा रहा है मक्का जो होता है उसका जो चिवड़ा होता है वो, और वो गाठिया, तो वो खा रहे हैं, वो उसका फेवरेट है ये दोनों भी चीज़ें, और मोबाइल हाथ में ही है, वो तो कभी नहीं छूटेगा। शार्विन इतना फिनिश करो पहले, शार्विन इतना फिनिश करो, फिर मम्मा फिर से देगी, ठीक है? हाँ Thank you.
तो गाइज शालीन पोयम देख के डांस कर रहा था और मैं भी उसके साथ में कर रही थी। तो बेटा खेल रहा है अभी और रोहित और शाहिद थे तो उनके साथ अभी मुझे थोड़ा बाहर जाना है, तो अभी मेरा एडिटिंग और फिर से रुक गया है, तो मैं अभी भी स्टार्ट नहीं किया। वो आए, खाना खाए, मैंने उनको खाना दिया, देन उसके बाद अभी वो निकल गए और 10-15 मिनट में जस्ट वो आएंगे, फिर से मैं उनके साथ बाहर जाने वाली हूँ। तो तब तक देखती हूँ स्टार्ट होता है नहीं होता है मेरा एडिटिंग, पता नहीं। तो चलिए मैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं एडिटिंग शुरू कर देती हूँ, नहीं तो रह जाएगा। सो गाइस रोहितोष के साथ हम लोग बाहर आए हैं और शालीन ने क्या पहनी है आप देख सकते हैं, दिखाई दे दिखाई दे, हाथ नहीं लगाते। तो यहाँ से फ्री होने के बाद घर पे जाऊँगी, अभी थोड़ा काम है तो बाहर आई हूँ। और रोहितोष आए, रोहितोष ही बाहर गए और हम लोग अभी टू व्हीलर पे हैं, तो यहीं पे वेट कर रहे हैं उनका, अभी भी काम बाकी है, एक घंटा जाएगा बाहर, तो वो साथ में लेके चलते हैं हम लोगों को। तो बस यही है, मिलती हूँ आपको घर पे। गाइज अभी मैं घर पे पहुंची हूँ और रोहितोष का ही काम में थोड़ा टाइम लग गया है, तो वही घूमते घूमते हम लोग उनका काम करते हुए जब भी जस्ट पहुंची हूँ घर पे। और अभी आके बस ज़मीन पे बैठ गई हूँ, ऐसा लग रहा है बस सो जाऊँ, बट अभी बज रहे हैं 7 और मेरा एडिटिंग भी नहीं हो पाया आज भी, तो ऐसा ही दिन चला गया। सुबह उठा, काम किया, अभी शाम की खाने की तैयारी करूँगी, फ्लावर है मेरे पास तो फ्लावर बनाऊंगी और नॉर्मली दाल चावल रोटी यही होता है। और अभी बैठी हूँ और थक गई हूँ यार, बहुत घूम रही थी। और शालीन भी ना गाड़ी पे ही सो गया था, तो मुझे उसको गोदी में उठा उठा के मेरा ना कंधा दर्द देने लग गया। तो अभी वो बाहर खेल रहा है और मैं बैठी हूँ, रोहित तोष अभी गए हैं जिम लगाने के लिए, वो जिम जा रहे हैं अभी, तो उनका कोई दोस्त आया था उनके साथ में, हो गया है जिम लगाने, नहीं तो सुबह वो रनिंग के लिए जाते हैं, तो आज वो शायद जिम जाने वाले हैं, तो वही वहाँ चले गए। और मैं बस अभी खाने की तैयारी करूँगी, मैं थोड़ा सा आधा एक घंटा तो पहले रेस्ट करूँगी, देन उसके बाद खाने पे मैंने खाने की तैयारी करूँगी। सो मैं अपना ब्लॉग आज यही ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर
और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए और अच्छा लगेगा आप सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट्स क्यों नहीं करते यार, कमेंट्स किया करो, मुझे अच्छा लगेगा, कुछ तो बोलो, अच्छा बुरा कुछ तो बताइए। और बस मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, बाय, थैंक यू सो मच।